کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند بیاریه. وعلیکم السلام. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير امين يا رب العالمين. عزيزاني گرامي، هم صرف کے میدان میں फ़ैल का जो पहला नवा है यानी सही सही की तफसील बयान कर रहे हैं अब तक. फ़ैल सुलासी मुजरद हमने ख़त्म किया, सही वाला महमूज़ बाकी है, मुजाफ़ बाकी है और मौतल भी बाकी है. वो तीनों चीज़ें सभी अफ़ाल पर लागू होंगी. पहले से ही ख़त्म हो जाए, एक बेस बन जाएगी, बाद में आपके लिए आसान होगा बाकी सब चीज़ें समझना. तो पिछले दर्स में हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, आपको याद होगा कि जो छः अबवाब हैं, जो छः बाब हैं फ़ैल सलासी मुजरद के, उनमें थोड़ी सी तमरीन की थी. तो मुझे लगा कि आपको उस सिलसिले में मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ भी कोई फ़ैल आपके आगे आएगा तो आप उसकी तशरीफ़ कर सकते हैं. लेकिन जहाँ तक सलासी मज़ीद का ताल्लुक है तो उसमें दो चार दिन लग ही जाएंगे, दो चार लेसन, पांच भी लग सकते हैं. तो इसमें तमरीन ज़्यादा इन डेप्थ करने की ज़रूरत है, ज़्यादा दकीक तमरीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनमें मुख्तलिफ़ होती है तादाद हरूफ की. तो कहीं आप कन्फ्यूज ना हो जाएं, इसलिए इब्तिदा में ही इसकी तमरीन हो के रहनी चाहिए. तो आपको याद होगा पहला बाब जो है सलासी मजीद फी का, वो है बाब एफ़ाल. और बाब अफ़ाल में जो माजी होता है वो उसका वज़न होता है, उसकी शक्ल होती है अफ़ाल की. अफ़ाला युफ़ालो, ये इसकी शक्ल होती है. युफ़ालो इसका मुज़ारे वज़न पर और अफ़ाला इसका माजी अफ़ाला के वज़न पर. तो इसलिए आप तैयार हो जाइए तमरीन के लिए, क्योंकि ज़्यादातर तो आपको ही बताना है. तो मैं ज़्यादा आपकी मदद कर सकता हूँ लिखने में. लेकिन याद रहे, नंबर एक आपको जहन में रहना चाहिए फ़ैल माजी मारूफ नंबर एक, और फ़ैल माजी मजहूल नंबर दो, और फिर फ़ैल मुजारे मारूफ नंबर तीन, और मुजारे मारूफ से ही निकलता है फ़ैल अमर. तो अमर भी इसके साथ हो गया चौथा. और जब अमर किया तो नाह भी इसी के साथ होना चाहिए, नाह. और अमर में दोनों किस्में, लाम अमर लगाकर और छः सेगे मुखातिब के अपनी शक्ल पे. तो फिर लाम नाह के बाद आप लाए नफ़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी आपके जहन में होना चाहिए. फिर मुजारे मजहूल, और मुजारे मजहूल इस सब के बाद फ़ाइल और मफ़ूल, फ़ाइल के छः सेगे और मफ़ूल के छः सेगे.
और फिर ताकीद बलाम व सकिनून सकीला और जहद बलाम व नून खफीफा, सकीला से भी और खफीफा से भी। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए तो मुझे यकीन हो जाएगा कि अब आप कहीं किसी तरह से कॉर्नर नहीं हो जाएंगे, कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, आप बिल्कुल आराम से चल पाएंगे। तो शुरू हो जाइए। नंबर एक अकरम, हम फिर लेंगे अकरम, कोई भी ले सकते हैं तो अकरम एक मिसाल के तौर पर। बताइए आप माजी मारूफ पहले, कौन बताएगा? अपने आप को वॉलंटियर कीजिए। और याद रखना चाहिए दो चीज़ें लर्निंग की दुश्मन है, दो चीज़ें, एक खौफ एक शर्म, इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। एक बार गलती हो जाए, दो भी बार हो जाए, तीन बार भी हो जाए, कोई मसला नहीं। तो गलती करने से ही आदमी सीखता है, जो गलतियां करने से डर जाएगा तो कभी सीखेगा भी नहीं, क्योंकि सीखने की मंजिल पर पहुंचता है आदमी गलतियों के रास्ते से गुजरने के बाद, तब तक नहीं पहुंचता है। तो बताइए कौन बताएगा? अकरम बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। अब इसका मजहूल बनाना है। आपको मालूम है मजहूल बनाने के लिए जो पहला हर्फ होता है वो मजमूम करना पड़ता है, और जो आयन कलमा होता है उसको मकसूर करना पड़ता है, और मसला ख़त्म। इसका पहला कलमा हर्फ जो है वो है हमज़ा, हमज़ा को अभी तक ये मफतू था, इसको मजमूम करना पड़ेगा। और रा इसका आयन कलमा है तो उस पर पहले ज़बर था तो अब जेर देना पड़ेगा, क्या बन जाएगा? उक्रिमा। चलिए आगे 14 से आगे। क्लियर हो गया ना? कोई मसला नहीं। तो अब मुजारे, मुजारे की इसकी शक्ल जो होती है वो क्या होती है? आफाला युफ़ालो, युफ़ालो, युफ़ाले के वजन पर युक्रिमो, ठीक है कि नहीं? युक्रिमो इसका मारूफ शक्ल होगी, और इसकी मजहूल शक्ल जो है वो आयन कलमे पे ज़बर, बस मकसूर को तब्दील करेंगे ज़बर में तो मजहूल बन जाएगा, ठीक है? तो चलिए फिर बहुत अच्छे। हाँ बहुत सही, बिल्कुल सही। अब यही हम पहले आएंगे अमर पर, क्योंकि इसी में से अमर निकलता है। तो पहला ये कि लाम में अमर लगाएंगे, यानी लाम पहले 6, 6 और 2, 8 सेगों में, गायब के 6 सेगों और मुतकलम के 2 सेगों पर लाम अमर लगता है, क्योंकि हमेशा जो अमर होता है वो मुखातब को होता है, होता है ना, असल में मुखातब को होता है, लेकिन जो गायब है और मुखातब है कभी अपने आप को ही आदमी हुक्म लगाता है, मुझे ये करना चाहिए, ये कोई अपने ऊपर एक हुक्म है, तो इसके लिए लाम अमर इस्तेमाल किया जाता है। तो लाम अमर की खसूसियत यह है कि ये जाजिम है, ये जज्म लगा देता है, ठीक है? नंबर एक। नंबर दो एक बात, दूसरी बात, जो मुखातिब है उसकी शक्ल जो है, हाँ उसकी शक्ल है हमज़ा पहले लगाना, जो इसका अपना हमज़ा है उसके बदले में हमज़ा लगाना, या इसी को हमज़ा करार दे इसको ज़बर देना जो जो है ही, और आयन कलमा पर ज़ेर और जज्म आगे, सही है ना, मजज़ूम करना, नून अरबी वगैरह गिराना जहाँ ज़रूरत है वगैरह। तो कौन करेगा अमर का? आपका ही जिम्मा बनता है। पहले लाम, लाम अमर आपको, आप बराबर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे। नहीं 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 नहीं, उसके लिए वो, उसके लिए अपनी असली शक्ल, पहले ज़बर है आखिर पे जज्म, क्योंकि जज्म है।
और कुछ नहीं, इसे मामूली हेर फेर है बस, कोई ज्यादा नहीं। उक्रिम नहीं, जबर पहले आक आगे चल बस चाहिए। अक्रिम अक्रिमा अक्रिमो या आगे अक्रिमी शाबाश अक्रिमा अक्रिमना बस। आप फिर लाम लगाइए मुतकल्लिम पर। हाँ शाबाश। ले अक्रिमो ले उक्रिमो जाजिम है ना, लाम लाम जाजिम है, जाजिम देते हैं। ले उक्रिम उक्रिम क्यों? ले अक्रिम ले अक्रिम ले अक्रिम और ले नक्रिम। हाँ ये तो मारूफ है ना हमें, तो जो पेश लगेगा वो लगेगा जो उसका मजहूल होगा। तो इसका मजहूल बिल्कुल हो वो इसी तरह अपने क्या नाम है आज़र साहब, इसका मजहूल कुछ नहीं करना है, सिर्फ हरकत बदलनी है, बाकी भी बिल्कुल यही है। हाँ ले यफ़अल हाँ ले यफ़अला हम अक्रम पर अक्रम या कुरम का है, अक्रम या कुरम पर है, आप पता नहीं कहाँ पहुँचे। हाँ अक्रम ले अक्रम गायब है, गायब तो हमजा है ही नहीं, गायब या होती है। ले युक्रम उधर युक्रम इधर युक्रम बिल्कुल बिल्कुल। अब मजहूल में, मजहूल में वो शक्ल नहीं आएगी, मजहूल में यही लाम लाम अमर तमाम से ऊपर लाम अमर। तुकरम चले ठीक है। लितुकरम लितुकरमा लितुकरमो लितुकरमी लितुकरमा लितुकरमना ले ओकरम ले नोकरम मसला खत्म है ठीक है कि नहीं? अच्छा चलिए आप मुजारे मजहूल, मुजारे मजहूल भी नहीं बनाया। आप इसको जज्म क्यों देते? युक्रमो ये मारफू होता है हमेशा मुजाहरे। युक्रमो युक्रमाने युक्रमोना तुक्रमो तुक्रमाने युक्रमना तुक्रमो तुक्रमाने तुक्रमोना तुक्रमीना तुक्रमाने तुक्रमना ओक्रमो नोक्रमो। चलिए बराबर आ गए, कहीं आपको गड़बड़ तो नहीं हो गई? चलो ठीक है, आप सब बताइए गड़बड़ तो नहीं हुई, सही बोला? बहुत अच्छे बहुत। तो आप दो चीज़ें, एक नहे अमर के मुकाबले में नहे, करो इसके मुकाबले मत करो है नहे, और दूसरा नफी, फेल नफी और फेल नहे, फेल नफी और फेल नहे में एक ही फर्क है, ला दोनों में है, एक ला होता है लामे नहे, एक होता है लामे नहीं, एक होता है लाए नफी और एक होता है लाए नहे, फ़र्क एक ही होता है, इसमें आरा बराबर रहते हैं, ये आरा में कोई हेर शेर नहीं करता है, लेकिन ये जो है ये वाला जाजिम है, बस सिर्फ इतना फ़र्क है, सिर्फ इतना फ़र्क और कोई फ़र्क नहीं। इससे पहले आप लाए नफी पर आ जाइए, यानी जो मुजारे है उसी पर ला लगाना है, बाकी बरकरार अपनी जगह रहेगा। ला युक्रमो ला युक्रिमो ला युक्रिमो ला युक्रिमाने ला युक्रिमुना शाबाश। ला तुक्रिमाने ला युक्रिमना ला तुक्रिमो ला तुक्रिमाने ला तुक्रिमुना ला तुक्रिमीना ला तुक्रिमाने ला तुक्रिमना ला उक्रिमो ला नुक्रिमो बिल्कुल सही, कोई कुछ नहीं करना, लेकिन इसके मायने क्या होते हैं? ला युक्रिमो ला युक्रिमो क्या क्या होता है? आक्रमा होता है उसने इज्जत की, युक्रिमो होता है वो इज्जत करेगा
ला युकुन के मायने होते वो इज्जत नहीं करेगा, बस इतना फर्क है। ठीक है, ठीक है कि नहीं? तो अब आप लाए नहे लगाइए, बिल्कुल यही, सिर्फ एक ही जज़्म आखिर पर, क्लियर हो गया ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब फाइल, इसकी फाइल जो होती है वो इस शक्ल पर होता है, फाइल, फाइल की शक्ल होती है इसकी मुफ़इल, और मफ़ऊल की शक्ल होती है मुफ़अल, मुफ़इल और मुफ़अल। ठीक है ना? अब बताइए फाइल है, तनवीन आती है, हाँ तनवीन आती है, ये वक्फ करने के लिए, जैसे हम फाइल कहते हैं, फाइलुन है असल में, तो वक्फ के लिए फाइल कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके छः सेगे आपको पता है फाइल के, बताइए फाइल। ये फेले अक्रम के, अक्रम युक्रम का है, बाब फाल का है, बहुत अच्छे, मफ़ऊल के छः से गए, सिर्फ आयन कलिमे पर ज़बर बदलनी है, फाइल में ज़ेर और मफ़ऊल में ज़बर, बहुत अच्छे। अब मुकरिम, मुकरिम, मुकरिम के मायने क्या है? नहीं, ये फाइल है ना, इकराम करने वाला, इकराम करने वाला, बहुत सही, इकराम करने वाला। और मफ़ऊल है मुफ़अल, मुकरमुन। ठीक है कि नहीं? और इसका मोनस क्या है? मुकरमतुन। ठीक है, अच्छा, मुकरमतुन क्या के मायने क्या है? जिसका इकराम किया जाए, जिसका इकराम किया जा रहा है, हैं? इसलिए कभी हम जब किसके नाम लिखते हैं खत, एड्रेस जो कर दे, वो कहते हैं मुकरमी फला, मुकरमी सजादा हूँ मीर साहब। आमतौर पर हम मुकरमी के बजाय खाफ पर भी ज़बर लगाते हैं, और वह गलतुल आम है, हम कहते हैं मुकर्रमी, असल में मुकर्रमी है। ठीक है कि नहीं? तो शक्ल बस यही है मफ़ऊल की, सही। अच्छा, आप चलते हैं, हम दो चीज़ें हैं, एक है नफ़ी ताकीद और एक है नफ़ी जहत। नफ़ी ताकीद होता है बलान, लान लगा के, और नफ़ी जहत होता है लाम लगा के। नफ़ी ताकीद बल्लान का मतलब है हरगिज़, हरगिज़ कभी नहीं करेगा, लन तज़िलु, कभी मेरे बाद बामिम बाजे, कभी मेरे बाद गुमराह नहीं हो जाओगे, हैं? ये है मुजाहरे के बारे में। जो लम है, लम में एक मसला है, और वो लम ये होता है कि जो जहद, ये जहद है, फ़ेले जहद, जहद के मायने क्या होते हैं? जहद के मायने होते हैं कि हम नफी कर रहे हैं, नफी कर रहे हैं माजी के ज़माने में, माजी के ज़माने में नफी कर रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल कर रहे हैं सेगा का बस सेगे मुजारे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन माजी की शक्ल बता रहे हैं। जहद फ़ेल जहद इसी को कहते हैं, हम माजी की बात कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ेल मुजारे,
हैं, और उसके लिए हम लम लगाते हैं पहले, मुजारे से पहले लम लगाइए तो जहद बनेगा। और इसमें खसूसियत यह है कि लम भी जाजिम है, ये भी जज्म लगाते हैं, सही। और लन जो है नफीब लन, ये मुजारे का फिसेगा और मुजारे के मायने में भी, और वो लन जाजिम नहीं है बल्कि लन नासिब है, जबर देता है। मुजारे मरफू होता है ना, जब लन इस्तेमाल करेंगे तो मरफू रफ़ तब्दील हो जाएगी नस्ब में, और जब लम लगाएंगे जहद बनाने के लिए तो लम रफा तब्दील हो जाएगा जज्म में, ठीक है। बस इतना फ़र्क है और कोई नहीं। तो लिहाजा पहले नफ़ी ताकीद बलान, ये दोनों नफ़ी हैं, नफ़ी ताकीद बलान। हम ताकीद किन किस किन लफ्ज़ों से करते हैं, एक लम से, एक लम से, एक नून सकीला से, एक नून खफीफा से। जब नून सकीला और नून खफीफा से करते हैं उस वक्त लान नहीं लगते, उस वक्त खारी लाम, लाम ताकीद इब्तिदा में आता है, लाम ताकीद व नून सकीला, या लाम ताकीद व नून खफीफा है। लेकिन इन दो सूरतों में ताकीद हम पॉजिटिव में लान इस्तेमाल, मुजाहरे में लान इस्तेमाल करते हैं, और मुजाहरे के ज़रिए से माजी के मायने में जहद बना के लम इस्तेमाल करके करते हैं। समझ आ रहे ना बात, तो करिए लान शुरू। मिसाल के तौर युक्रे मो लान युक्रे मैं, बस भी इतना ही और कुछ नहीं करना है। बहुत अच्छे। अब जहद का लम लगा के, हाँ एक मिनट लम युक्रिम के मायने क्या हो गया, अब ये जहन में मायने भी रहने चाहिए। लम युक्रिम के मायने, उसने हरगिज़ इकराम नहीं किया, माजी की बात, लेकिन इस्तेमाल किया हमने मुजारे का सेगा, सही है। यही है जात की खसूसियत, बस इतनी है। हाँ जी आगे चलिए। करेक्ट हो गया ना, मसला ख़त्म। अब आपके लिए रहता है सिर्फ नून सकीला और नून खफीफा, ठीक है ना। ला पहले, ला युखरे मानना तशदीद के साथ नून खफीफा, नून सकीला हो गया। बताइए बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत सही हो गया ना। अब खफीफा, नून खफीफा, नून खफीफा में आपको पता है कि कुछ शेगों में नून खफीफा नहीं आता है, ये जहन में रहना चाहिए। जहन में क्या रहना चाहिए, मस मिसाल के तौर पर बताइए किन किन सेगों पर नून खफीफा नहीं आता है। और मुसन्ना के तीन सेगे, और भी शाबाश, याद नहीं है। एक बार आप अपनी नोटबुक को एक नज़र मारिए, ताकि आप, इसका मतलब है आप देखेंगे, दोबारा देखना ना पड़े।
एक बार देखें दोबारा आपको देखना नहीं पड़ेगा। जमा मोनस के दो सेगे और मुसन्ना के, कुल कितने सेगे बन गए जिनमें नहीं आता है? मुसन्ना के चार, कहाँ से मुसन्ना होते? शाबाश, दो गायब के और आप कन्फ्यूज क्यों हो गए? कन्फ्यूज क्यों हो गए? और चार और दो कौन से? मानस। हाँ, कुल कितने हो गए? बाकी कितने रह जाएंगे? आठ से। आठ से बताइए, आपको अब बताना पड़ेगा। शाबाश। इसमें नून मुशद्दद के बदले नूने साकिन, बस नूने खफीफा बन जाएगा। जो ये छह से यहाँ पे क्या आता है फिर इन छह से पे? वही जो है उसमें नून तशदी मुशद नून के बजाय मजजूम नून और कुछ नहीं। ला ला युक्रिम मान जज़्म, मसला खत्म। नून जबर वाला खत्म होता है, सिर्फ जज़्म वाला नून रहता है। चलिए जी, लयुक्रिमान लयुक्रिमान फिर जमा इसी का लयुक्रे आपको देखना पड़ा। इसमें मुसन्ना क्या आएगा फिर? इसमें मुसन्ना तो गिर जाता है ना, मुसन्ना तो आता ही नहीं। चार मुसन्ना के चार से ही आपने छोड़े ना, तो कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। क्लियर क्लियर। लयुक्रिमान लयुक्रिमान जमा वाला लयुक्रिमन, हाँ लयुक्रिमन। फिर आगे तुक्रिमान, हाँ लतुक्रिमान, हाँ फिर लतुक्रे फिर वाहिद मोनस मुन के बाद मिन के बाद लतुक्रिमन, वो तो ये हो गया ना जमा मुजकर वाला। फिर मोनस वाला मिन कितने आ गए? बराबर आ गए। ये जब जहन में नहीं रहता है ना नक्श, फिर कंफ्यूज हो जाता है आदमी। तो इन इस तमरीन के दौरान आपको फिर बाद में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो टाइम मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे सुबह। लेकिन एक चीज़ है, आज हमने सिर्फ एक फेल कर लिया है ना, कल कम से कम हमारे लिए दो फेल होना चाहिए टारगेट, दो फेल यानी जल्दी में फटाफट होना चाहिए। अगर तीन भी हो जाए बेहतर है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अव्वलन व आखिरन व ज़ाहिरन व बातिनन।